हेलो गाइस, टैक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैंने आपको एक 3 kVA ऑनलाइन ईपीएस जो इन बिल्ट बैटरी है उसका साथ हम आपको दिखाएंगे। इसमें वो पूरा टोटली डेड हो गया है। अब उसको फर्स्ट चेक करेंगे कि उसका प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो आपको हम पहले दिखा रहे हैं, देखिए इसका मेन कार्ड है, उसका साथ में इन बिल्ट चार्जर होता है, चार्जर कार्ड जो है साथ में लगा रहता है। वो आप नीचे में देख सकते हैं, जहाँ पर आपका IGBT लगा हुआ है उसका ठीक नीचे में उसका आपका ये चार्जर कार्ड लगा हुआ है। तो इसको पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए उसमें कंट्रोलर कार्ड है, मेन कार्ड है, और मेन कार्ड का साथ में इनबिल्ट आपका चार्जर कार्ड है। तो एक आप देखिए, इसमें आपको दिखा रहे हैं पावर को ऑन कर रहे हैं, देखिए पावर स्विच को ऑन कर दिए हैं। तो ऑन करने के बाद आपका इसमें पावर आना चाहिए, सामने में आपका LED बल्ब दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पर कोई भी स्विच आपका ऑन नहीं हो रहा, देखिए LED सब ऑफ है, मतलब पावर आपका इसमें आउट में नहीं आ रहा है। जैसे इनपुट आपका पावर होता है इसमें शो करना चाहिए, वो भी नहीं कर रहा है। तो हमने इसके लिए सबसे पहले इसका फ्यूज चेक किए, फ्यूज चेक करने के बाद देखिए सब फ्यूज ठीक है। यहाँ बैटरी फ्यूज सिर्फ आपका ख़राब था, लेकिन AC फ्यूज ठीक था। जब हमने इसका ऑनलाइन UPS का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसमें अगर आप ऑन नहीं हो रहा है तो उसका चार्जिंग वोल्टेज बनना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने चार्जिंग चेक किए, तो चार्जिंग वोल्टेज बन नहीं रहा है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। अभी हम पहले आपको UPS का पूरा डिटेल आपको दिखा देते हैं। UPS का क्या है, 2 फैन है, पीछे में सॉकेट है, यहाँ पर इनबिल्ट बैटरी लगता है, बैटरी का आपका दिख रहा है, आपका उसका सॉकेट दिख रहा है, आपका बैटरी लगा हुआ है। इसमें आपका 8 बैटरी लगता है, बैटरी को हम निकाल दिए हैं। अभी इसमें चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद एक एक करके देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर फ्यूज आपको दिख रहा नहीं, ये देखिए आपका चार्जर कार्ड आपको दिखा रहा है, ये इनपुट आपका फिल्टर है, ये फिल्टर सेक्शन आपको दिखा रहा है। जब करंट आता है फिल्टर के थ्रू आता है, ये आपका चार्जर कार्ड है, छोटा सा चार्जर कार्ड होता है, क्योंकि इसमें आपका जो बैटरी लगता है 7H 12 वोल्ट का लगता है या 9H 12 वोल्ट का लगता है, उसका हिसाब से वो बैकअप देता है। अगर मान लीजिए आप 9H का लगाते हैं तो आपका 1.5 घंटा करीब बैकअप देगा, अगर आप 7H का लगाते हैं तो आपको 45 मिनट्स बैकअप देगा। ये भी आपको आपको दिखा रहे हैं, देखिए चार्जर करंट जो है वो बन नहीं रहा है, मिली वोल्ट आपको दिखा रहा है, जबकि इसमें कितना होना चाहिए, 108 होना चाहिए वोल्ट, 108 वोल्ट आपका होना चाहिए DC, लेकिन इसमें आपका मिली वोल्ट दिखा रहा है, मतलब आपका चार्जर का जो करंट है ना, वो वोल्टेज होता है, वो एकदम आपका बन नहीं रहा है। तो इसके लिए हम इस चार्जर कार्ड को निकालेंगे, ये देखिए चार्जर कार्ड आपको दिखा रहे हैं, ये चार्जर कार्ड को रिपेयर करेंगे, रिपेयर करके फिर इसमें लगाएंगे, लगाने से आपका ये UPS आपका ऑन हो जाएगा। तो गाइस, आप अगर इस UPS ये इस वीडियो को देख रहे हैं, UPS का बारे में आपको नॉलेज चाहिए, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो आप हमको फ़ोन करके कमेंट्स देके आप अपना जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू गाइस। और आने वाला जो वीडियो है इसमें हमने आपको दिखाएंगे ये चार्जर कार्ड कैसे रिपेयर किए हैं, रिपेयर करने के बाद चार्जर कार्ड को लगाएंगे, लगाने के बाद ये सिस्टम को हम ऑन करके उसका भी एक वीडियो हम आपको यहाँ पर देंगे। थैंक यू गाइस।